हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सीन जैन क्लासेस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th का मैथ देखेंगे, प्रॉब्लम सेट 3। इसमें हम लोग को क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। हमें क्या करने हैं, नंबर्स को रीड करना है और उसको वर्ड में लिखना है। हाउ टू रीड द नंबर्स, जस्ट लिसन फर्स्ट। यू नीड 10, 100, 1000, 10,000 lakhs। देन यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर 7 lakhs, 7 lakh, comma 65,000, then 65,000, 200, right? And 34। अभी हम लोग एंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, पूरा नंबर्स एंड हो रहा है। इसके लिए यहां पे भी सेम, यू नीड 10, 100, 1000, 10,000 lakhs। तो नंबर्स इज 4 lakh, राइट, 73,200 and 25। अंडरस्टूड? उसी तरह बाकी के भी नंबर्स हम लोग सेम ऐसे करेंगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 lakhs, 3 lakh, 27,000 एंड यहां पे क्या है, 10 और 100 के प्लेस पे कुछ नहीं, तो डायरेक्टली यूनिट की वैल्यू लिख देंगे एंड 1। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 lakhs, 8 lakhs, 8 lakh, 75,000, 375। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को रीड करने हैं और उसको वर्ड में लिखते हुए जाना है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 lakhs, 1 lakh, 50,000, 400, 37। 6-1 is same again. Unit 10, 100, 1000, 10,000 lakhs, 2 lakhs, 2 lakh, comma. Unit 10, 100,000, 3,000. 100, 74। Same here, 7th question also. You need 10, 100,000, 10,000 lakhs, 6 lakh, 47,800, 51।
उसी तरह बाकी के भी क्वेश्चंस को हम लोग सेम वैसे स्पेलिंग्स में लिखते हुए चले जाएंगे। अभी इसमें स्पेलिंग्स जो लिखना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, 1 to 100 पहले स्पेलिंग्स पूरा लर्न कर लो, उसके बाद 1000 की, 10,000 की, लाख की और 10 लाख की और करोड़ की, बाकी सब स्पेलिंग उसी में रहेंगी। सिर्फ आपको नंबर्स को रीड करना है और यहाँ से ही स्टार्ट कर देना है लिखना। जैसे कैसे हम लोग स्टार्ट करें, देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो यहाँ पे क्या लाख के प्लेस पे क्या 9 है, तो 9 लाख है ना, 900 है कि नहीं, 999। एंड 99 आ जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, दोनों टू डिजिट्स के नंबर्स को हम लोग एक ही साथ यूज कर रहे हैं, समझ में आया। उसके बाद दिया है 9th क्वेश्चन, टोटल हमारे पास कितना है, 10 क्वेश्चन है सारे, है ना, तो नंबर शायद चेंज हो गए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन जरा चेंज कर लेंगे। 9 के प्लेस पे कौन सा क्वेश्चन है, 4,03,005 और यहां पर है 5,75,010। तो इसको हम लोग रीड कर लेंगे पहले, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स, 5 लाख 5 लाख, 75,010। अभी यहाँ पे डायरेक्टली एंड 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, 100 के प्लेस पे कुछ भी नंबर्स नहीं है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स, तो 4 लाख। अब यहाँ पे 3000 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिट 10, 100, 1000, थाउजेंड के प्लेस पे क्या है 3, तो 3000। एंड 100 के प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 10 के प्लेस पे भी कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 5। अंडरस्टूड। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या दिया है, इसमें कैसे हम लोग को वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स दिया हुआ है ना। चलो तो अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर्स। हमें क्या करना है, नंबर्स को रीड करना है, उसको फिगर्स में लिखना है। 1,35,855। अभी हम लोग लिखेंगे कैसे, तो 1 लाख बोला है ना, तो 1 लाख ठीक है, कॉमा 1,35,000, तो 35,000 हो गया, 1,35,800 855। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1,35,855 है कि नहीं। अभी सेकेंड दिया है 7,27,000, तो 7 लाख, तो 7 लिख लो पहले, 7 लाख हो गया, कॉमा 27,000, तो 27,000 है कि नहीं। एकदम सिंपल, तो एकदम बेसिक लॉजिक यूज करना, जैसे दिया 7 लाख, तो 7 लाख लिख दिया, 27,000 27,000, सिंपल। 4 लाख, तो सेम वैसे लिख दो यहाँ पे पहले, 4 लाख हो गया, 25,000 25,300 300 हो गया, 9,09,099, तो पहले लिख लो 9,99,000,
है ना, अभी 900 नहीं दिया है, नाइन डायरेक्ट 99 दे दिया है, तो 900 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0.99 यूनिट, 10,000, 10,000 लाख, 9 लाख्स 99,099, 7 लाख 49,000, तो 7 लाख्स हो गया, ये हो गया आपका 49,000, है कि नहीं, 7,49,300, तो ये हो गया 362, समझ गए, 8 लाख्स, ये तो सबसे सिंपल है, 8 लिख दिया, 0,00, 8 लाख्स हो, समझ में आ। उसके बाद दिया है थर्ड क्वेश्चन में, मेक फाइव नंबर्स बनाने हैं, 6 डिजिट्स के नंबर, अभी काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हमें लैक्स में नंबर्स बनाने हैं, ईच टाइम यूजिंग 0, एनी वन ऑफ देम डिजिट 0, 9, ओनली वंस, तभी 0 से 1 के बीच में कितना 10 नंबर्स हो जा रहे हैं हमारे पास, है कि नहीं, तो आप नंबर्स को लिख लो यहाँ पे, डिजिट कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी वन टाइम में एक ही डिजिट लिखना है ना, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 डिजिट नंबर्स, कोई भी नंबर्स ले लो, 2,34,567, समझ गए, पीछे से ले लो, 9,87,654, थर्ड अभी यहाँ से ले लो, 6,78,941, है कि नहीं सिंपल लगता, उसी में से नंबर्स को आपको यहाँ पे जंबल कर देना, चेंज करके बना लेना, 3,45,610, फिफ्थ नंबर ले लो, 3,69,000, है ना, 104, हमें एक नंबर्स को सिर्फ वन टाइम ही यूज करना है ना, तो सिंपल तरीके से यूज कर सकते, देखो कहीं पे भी कोई नंबर्स रिपीट हुए, एक भी नहीं हुए, है कि नहीं, ये वीडियो के लेक्चर्स में इतना ही, प्रॉब्लम सेट पूरा कंप्लीट हुआ, प्रॉब्लम सेट का 4 का लेक्चर हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।